नाजरीन अंजुमन ताजरान सिंध हैदराबाद पारा हैदराबाद चैम्बर्स एंड कॉमर्स रजिस्टर 19 की बिना मुकाबले चूंडियल सदर सेठ गहरुल्ला बेन अहदेदार के मान में दयालदास क्लब हैदराबाद में पुरवकार आजाणो दिनों वो। एस एस न्यूज़ रिपोर्टर एजाज लखारी मूजिब उन मौके से अंजुमन ताजरान सिंध के सदर सलाहुद्दीन गौरी आजाणो डींदे है अंजुमन ताजरान सिंध के कारोबारी मानून की एक वही तंजीम है जहाँ हैदराबाद चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स रजिस्टर्ड 19 के सदर सेठ गहरुल्ला से गड बीठल है। मेरे लिए ये ऑनर की बात है कि मैं एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर होकर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ाऊँ। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर जो अपने आप को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लीडर बनते हैं वो एक चेयरमैन को जिता के दिखाते हैं, आप 12-15-20 हज़ार वोट दिला के दिखाते हैं। ये भी सारा क्रेडिट सेठ गहरुल्ला साहब को जाता है। आज आने वाली तकरीब के अंजुमन ताजरान हैदराबाद डिवीजन के चेयरमैन गुलाम असकर पमर खिताब कंदे है असके नहायत घनी खुशी थी है। हैदराबाद चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो सदर सेठ गहरुल्ला उन तंजीम जा बिना मुकाबले चूंड जी आयल ओहदेदार असा पारा दिनल आजाणे में शरीक थे। एस एस न्यूज से गालाइंदे चूंडल बिना मुकाबले गहरुल्ला सेठ गहरुल्ला के अंजुमन ताजरान तरफा इशाए दिनों वो एज अ चेयरमैन इनके सो खुशाइन कदम तो दियाँ असा सेठ गहरुल्ला वायदो किया तो अस चैम्बर ऑफ कॉमर्स अंजुमन ताजरान गड गड हलंदी शाना बशाना हलंदी। तकरीब के एस एस न्यूज के सीईओ हैदराबाद चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के लॉ एंड ऑर्डर कमेटी के चेयरमैन साजिद सोलंगी खिताब कंदे है अंजुमन ताजरान सिंध सेठ गहरुल्ला से गड है जैसी हर महाज से हिमायत जारी रखी वी। तकरीब के खिताब कंदे उन चवण हो तो सब का पे तो सेठ गहरुल्ला साहब की मेहरबानी जिन साई जन टाइम कढ़ो और असें इज्जत दिनी सब का पे जनाब गहरुल्ला साहब के खराज तहसीन पेश क्या तो जै तमाम घनी मेहनत कोशिश से चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैदराबाद के खिदमत सनत व्यापारियों के बेहतरी ला हमेशा भरपूर खिदमत कह रो है। मुख्य बासे फखुर है तो मैं टीम जो हिस्सो आया। तकरीब के अंजुमन ताजरान तालके कासिमाबाद के सरपरस्त आला महबूब अबड़ो खिताब कंदे हैदराबाद चैम्बर्स कॉमर्स से असी गड आहूं चवण हो तो अंजुमन ताजरान सिंध ने जिस तरह आज का ये प्रोग्राम करके पूरे हैदराबाद के कई नुमाइंदों को पूरे हैदराबाद के एक रीढ़ को ये वो रीढ़ है ये वो ताकत है वो कुवत है जो पूरे हैदराबाद को चलाती है हैदराबाद में सांस डालती है। तकरीब के हैदराबाद चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के बिना मुकाबले चूंड जी आयल सदर सेठ गहरुल्ला खिताब कंदे है हैदराबाद चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैदराबाद के व्यापारियों शहरों की तंजीम है। हैदराबाद चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में शहर के नंढे वे कारोबार के मानून के बिना फर्क के मेंबरशिप दिनी वही। हैदराबाद चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव बॉडी में अंजुमन ताजरान सिंध के सदर सलाहुद्दीन गौरी साजिद सोलंगी के शामिल थियण सा हैदराबाद चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स मजबूत है मुनज़म थी उन चवण हो तो हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाइसेंस 19 आज भी रजिस्टर्ड है एसएससीपी में भी रजिस्टर्ड है। सिर्फ हमारा जो लाइसेंस है डीजीटीओ ने बहाल नहीं किया तो उसके लिए हम हाई कोर्ट में मौजूद हैं। हाई कोर्ट का जो फैसला होगा वो हमें एक्सेप्ट होगा। बाकी रही बात प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी ये हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की है लाइसेंस 19 की 1200 मेम्बर्स की जगह है जिसको चंद मुंशियों के की सपोर्ट से कब्ज़ा किया हुआ है। कब्ज़ा कितने दिन रहेगा, ज़मीनों पे भी कब्जे करते हैं इधर भी करते हैं अब चैम्बरों पे कब्जे कर रहे हैं। उन हैदराबाद के व्यापारी अगवान ज़ियाउद्दीन कुरैशी एस एस न्यूज़ से गालाइंदे है अंजुमन ताजरान सिंध कमिश इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स को यहाँ मदु किया है, उसकी क़्यादत को उसके अरकान को मदु किया है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है, इस बात को सबूत है कि हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स गुज़िश्ता 20 साल से गौर सेठ की क़्यादत में हैदराबाद के शहर की ताजिर बरादरी खिदमत कर रही है। अंजुमन ताजरान सिंध पूरे सिंध की ताजिर तंजीम है जिसमें हैदराबाद के अलावा मजाफात की एसोसिएशन भी शामिल है। उन मौके पर हैदराबाद चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अगवान फहद शेख एस एस न्यूज़ से गालाइंदे है आज अंजुमन ताजरान सिंध के सदर सलाहुद्दीन गौरी और इनकी पूरी काबीना जो ने इन्वाइट किया था हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नई मुंतखब बॉडी को हैदराबाद साइड एसोसिएशन एंड इंडस्ट्री के नुमाइंदगान को तो मैं इस बात पे जो है इनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि इन्होंने जो है वो इनवाइट किया। बिलखसूस मेरा ये पहला इंटरव्यू है एसएस चैनल के ऊपर साजिद सोलंगी भाई को एसएस चैनल की तमाम जो नुमाइंदगान हैं मीडिया रिपोर्टर्स हैं कैमरे के पीछे जो भाई मौजूद हैं माइक के साथ जो भाई मौजूद हैं और तो वो तमाम लोग
जो इस चैनल को जो है वो आगे बढ़ाने में काविशें कर रहे हैं। मैं उन तमाम को खराज तहसीन पेश करूंगा, मुबारकबाद पेश करूंगा कि वो हैदराबाद की आवाज़ बन रहे हैं, हैदराबाद के ताजरों की आवाज़ बन रहे हैं। इसी तरह अपना काम जारी और सारी रखें। आप वो लोग हैं जो हिम्मत बनते हैं हैदराबाद के लोगों की, मीडिया के वो लोग हैं जो हैदराबाद की आवाज़ को उठाते हैं और हैदराबाद के असल हकाइक को पेश करते हैं सबके आदे। उन मौके ते बियन व्यापारी अगवाणन एस एस न्यूज सां पंहिंजा वीचार वणी दे चयो आहे त अंजुमन ताजरान की तरफ से जो आज तकरीब मुनक़िद की, इसका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनका, और सलाउद्दीन साहब और साजिद सोलंकी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। स्पेशली इन्होंने जो है बड़े काम किए, बड़ी मेहनत की है और हैदराबाद के ताजरों को मुत्तहिद करने में इनका बहुत बड़ा किरदार है। हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमेशा अपने छोटे ताजरों को और बड़े ताजरों को साथ लेकर चली है और अंजुमन ताजरान सिंध हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रीढ़ की हड्डी है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं सलाउद्दीन साहब के और तमाम अंजुमन ताजरान सिंध के, उन्होंने हमें इस्तकबालिया दिया और एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर सलाउद्दीन साहब और साजिद सोलंगी साहब आए, हमें बड़ी खुशी हुई है और इंशाल्लाह ये हमारे साथ शाना बशाना काम करते रहेंगे। गौरुल्लाह जब से आए हैं ताजिरों में बिल्कुल एक खुशी की लहर आई है और हैदराबाद का तमाम ताजिर एक प्लेटफॉर्म पर जमा है। सेठ गौरुल्लाह जो है हमेशा से जो है बड़े ताजिर को तो साथ ले कर चले, बाकी जो है छोटे ताजिर जो है बहुत इनके साथ है और अभी अनकरीब जो है एक इस्तकबालिया जो है गौर साहब ने जो है हमारे इस्तकबाल के लिए दिया था, उधर जो है अंजुमन ताजरान सिंध अपने घर के ऊपर जो है तो ताजरों ने भरपूर हिमायत का जो है गौर साहब का जो है ऐलान किया था। जो गौरुल्लाह की क़यादत में सारे ताजिर हैदराबाद की यूनियन ने आज बैठी हैं, भरपूर भरोसा करती हैं और हमारे जितने भी मेम्बर हैं सेठ गौरुल्लाह के दाउन करती हैं और उन पर भरोसा रखती हैं, एतमाद करती हैं। मैं समझता हूँ कि चूँकि ये पुराने ही हैं कॉमर्स चैम्बर के, ये आज के नहीं हैं, बहुत पुराने हैं, ये आर्जी तौर के ऊपर कुछ लोगों ने गलत तरीके से जो है उसके ऊपर कब्ज़ा किया, तो वो हम कानूनी जंग लड़ रहे हैं गौरुल्लाह साहब, तो उस जंग के अंदर हम गौरुल्लाह साहब के साथ साथ हैं।